सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू यूनिवर्स। सो फाइनली यार, जेएमएस 2024 के तरफ से के लिए यार, एनटीए की तरफ से यार कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स यार फर्स्ट अटेम्प्ट का अप्लीकेशन फॉर्म यानी कि फिल करे थे, उसके बाद फिर आप जो है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आप लोग अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए रेडी हो, है ना। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का जो मिस्टेक हो चुका था, वो मिस्टेक फाइनली आप लोगों ने अगर जो नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका करेक्शन हुआ था, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के आप देख सकते हो एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले आपको आना है, यहाँ पे देख सकते हो कंडक्ट ऑफ ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेमेन 2024 सेशन वन, ये जो फाइनल लिंक है ना, इस लिंक पे यार आपका जेमेन 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर के यानी कि सारा इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर पर स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था, कितने नंबर पर स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था एंड कितने नंबर पर, ये लिंक पे आपका ये दिया हुआ है ना। उसके बाद फिर अभी जो लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस आया हुआ है ना, ये आप लोग देख सकते हो, ये जो है पहला आपका लिंक है, यहाँ पे देख सकते हो इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 सेशन टू का रजिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यार इसमें जो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें दी हुई है ना, कि इसमें और भी बहुत सारी यानी कि करेक्शन, ये सब क्या क्या सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, करेक्शन ये सब को लेकर के यार फाइनली इसमें बताया गया है। तो ये देख सकते हो वो जो है ऑफिशियल नोटिस फाइनली यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक नोटिस 2 फरवरी 2023 का यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है ना, 2024। एंड यहाँ पे सबसे पहले नीचे यहाँ पे देख सकते हो आपका फाइनली एग्जाम डेट भी फाइनली यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि सेशन टू के बारे में, जेईई 2024 सेशन टू का बिटवीन 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है सेकेंड अटेम्प्ट का। 2 फरवरी 2024 से लेकर के आपका 2 मार्च तक आपका यानी कि 1 मंथ का टाइम दिया जा रहा है अप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का, है ना। उसका फिर लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ अप्लीकेशन फीस, वो भी आपका 2 मार्च 2024 का लास्ट डेट दिया हुआ है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका सेकेंड अटेम्प्ट को लेकर के, उसके बाद फिर और भी क्या क्या सर यहाँ पे यार और भी इंपॉर्टेंट नोटिस जो भी यार इसमें बताया गया, सारी चीजें मैं समझा देता हूँ। द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड एंड सक्सेसफुली पेड द एग्जामिनेशन फीस फॉर जेईई 2024 सेशन वन एंड विश टू अपियर जेईई 2024 सेशन टू आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन विद दियर प्रीवियस एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड प्रोवाइड सेशन वन, दे मे ओनली चूज द पेपर मीडियम एंड स्टेट। इसका मीनिंग यार ये हुआ कि जो भी स्टूडेंट सेशन वन के लिए अप्लाई कर दिए थे एंड आप लोगों ने एग्जाम भी दे दिया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेशन टू के लिए फिर से एज ए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है। आपको सिंपली से क्या करना है कि एप्लीकेशन नंबर जो आपका है उसके थ्रू जो है लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आप लोग इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि पेपर का मीडियम आपको अगर जो चेंज करना है तो वो आप लोग चेंज कर सकते हो। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी यानी कि आप लोग चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज कर सकते हो। सीटी फॉर सेशन टू यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सेशन वन के एग्जाम के टाइम में जो है आप लोग कोटा में प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन फाइनली अब जो सिलेबस ये सब कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें करके अपना जो होम टाउन चले आए हो, तो आप चाहते हो कि मेरा एग्जाम सेंटर जो है जहाँ भी आपका होम टाउन है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उधर पड़े, या फिर कोई भी यानी कि सिटी फॉर इंटीमेशन, अगर जो सिटी फर्स्ट अटेम्प्ट में जहां पढ़ा था वहां से सिटी चेंज करना चाहते हो, वो सब सारी चीजें आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अगर जो आपने 10-12 के मार्कशीट में जो है मिस्टेक कर दिया था, तो वो सारा डिटेल यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एंड पे द एग्जामिनेशन फीस यानी कि उसके बाद फिर जो है आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें करना पड़ेगा एंड बाकी यार, लेकिन दो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बताया गया है, दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अप्लाइड अर्लियर यानी कि जो कि सेशन वन के लिए अप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे, उन सभी स्टूडेंट को नीड टू अप्लाई एज ए फ्रेश एज शेड्यूल गिवन फॉर डिटेल कैंडिडेट में रेफर एनेक्सर वन यहाँ पे दिया गया है। तो इनको सिंपली से क्या करना है कि आपको एज ए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। आपको मैं इसके बारे में जो है अभी बताने भी वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपको एज ए फ्रेश कैंडिडेट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, देना पर फिर लॉग इन करने के बाद फिर आपको पूरा एकदम से स्टेप बाय स्टेप सारा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन को लेकर के, है ना। उसके बाद फिर यार और भी इस ऑफिशियल नोटिस में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो स्टूडेंट ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर सेशन वन एंड सेशन टू, जो भी स्टूडेंट्स जो कि रजिस्टर्ड कर चुके हैं सेशन वन एंड सेशन टू के लिए, कैंडिडेट आर अलाउड टू एडिट और मॉडिफाई द फॉलोइंग, है ना। यानी कि जो भी स्टूडेंट का सेशन वन में यार कुछ भी मिस्टेक हो गया था एंड आप अगर जो चाहते हो कि है ना कि आपका जो है करेक्शन हो, तो आप लोग क्या क्या सारी चीज़ों को जो है करेक्शन कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पे इस जो है पेज में बताया हुआ है। सबसे पहले देख सकते हो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट दैट इज कैंडिडेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड अप्लाइड फॉर बोथ सेशन वन एंड सेशन टू ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑफ जेईई 2024 सेशन वन, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो कि सेशन वन के एग्जाम के टाइम में ही आपके पास दोनों ऑप्शन था कि आप लोग सेशन वन के लिए आप लोग फॉर्म फिलिंग कर रहे हो या फिर सेशन वन एंड सेशन टू दोनों के लिए आप लोग फीस पेमेंट कर रहे हो, है ना। तो वैसे स्टूडेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ सेशन वन के लिए फीस पेमेंट किए थे या फिर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कि दोनों सेशन वन एंड सेशन टू के लिए दोनों एक ही टाइम आपने उसी टाइम जो है फीस पेमेंट कर दिया था, तो वो दोनों स्टूडेंट जो है अपना ये सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हो, कोर्स पेपर यानी कि पेपर का कोर्स। अगर जो बी आर्क एंड बी प्लानिंग के लिए इनिशियलिंग की सेशन वन में आपने एग्जाम दिया था, तो आप अगर जो चाहते हो बीटेक के लिए भी मैं दूँ, तो उसके लिए यानी कि कोर्स का पेपर बी आर्क एंड बी प्लानिंग के साथ साथ आप लोग बीई बीटेक का भी पेपर दे सकते हो। उसके बाद फिर मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी कि क्वेश्चन पेपर का मीडियम, अगर जो आपने रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया था, हिंदी सेलेक्ट कर लिया था, आपको इंग्लिश में चाहिए था, इंग्लिश सेलेक्ट किया था, आपको हिंदी में चाहिए था, तो वो जो है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आप लोग चेंज कर सकते हो। उसके बाद फिर स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी यानी कि आपका जो होम स्टेट है वो आप लोग चेंज कर सकते हो। एग्जामिनेशन सिटी एज पर द अवेलेबल ऑप्शन, एग्जामिनेशन
एप्लीकेशन सीटी जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर जैसे कोई कोटा से आप जो अपना होम टाउन चले आए हो या फिर जहाँ भी यानी कि जो आपका सेशन 1 में जो सीटी पड़ा था उसे आप चेंज करवाना चाहते हो, तो वो जो है सीटी अपने सुविधा के बेसिस पे आप लोग जो है सीटी को भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या है कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल क्लास 10th एंड क्लास 12th का जो है मार्कशीट, ये सब रॉन्ग से अपलोड कर दिए थे, क्लास 10th की जगह पे 12th का, 12th की जगह पे 10th का, या फिर मार्कशीट की जगह पे सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए थे, है ना। तो ये सब सारा डिटेल जो भी आपका मिस्टेक हुआ है वो सारा डिटेल यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद फिर फीस पेमेंट इफ अप्लीकेबल, यानी कि फीस पेमेंट अगर जो आपने नहीं किया था तो फीस पेमेंट ये सब तो खैर मतलब फीस पेमेंट करोगे तभी आपका आगे का प्रोसीजर होगा। तो उसके बाद फिर आपको फीस पेमेंट करना है। एंड अब उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे यार क्या बताया गया है, नेक्स्ट उन सभी स्टूडेंट के लिए एग्जिस्टिंग कैंडिडेट दैट इज कैंडिडेट रजिस्टर्ड एंड अप्लाइड फॉर सेशन 1 बट डिड नॉट अप्लाई फॉर सेशन 2, यानी कि आपने वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कि सेशन 1 के लिए अप्लाई किया था लेकिन सेशन 2 के लिए फीस पेमेंट नहीं किया था ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑफ JEE 2024 सेशन 1, यानी कि सेशन 1 के टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपने सेशन 1 के लिए अप्लाई किया था, सेशन 2 के लिए अप्लाई नहीं किया था, तो वो सारे स्टूडेंट्स भी कोर्स पेपर का मीडियम आप लोग भी चेंज कर सकते हो। कोर्स BE BTEC की जगह पे BR BPlanning देना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ यानी कि सारी चीजें ऊपर में जो दी गई है ना वही सारी चीजें यहाँ पे भी आप लोग चेंज कर सकते हो, है ना। उसके बाद फिर आप क्या है यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका फॉर न्यू कैंडिडेट द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग इन सेशन 2 विल बी रिमेन द सेम एज फॉलो इन द सेशन 1, यानी कि सेशन 1 में जिस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसी तरीके से फॉर न्यू कैंडिडेट सेशन 2 दैट इज नॉट रजिस्टर्ड इंक्लूडिंग फी नो पेड फॉर सेशन 1 फॉर न्यू कैंडिडेट, यानी कि न्यू कैंडिडेट के लिए इन सेशन 2 दैट इज नॉट रजिस्टर्ड इंक्लूडिंग फी नॉट पेड फॉर सेशन 1, यानी कि आपको सेशन 1 के लिए तो खैर फीस पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सेशन 2 के लिए फीस पेमेंट करना है। एंड एज ए न्यू कैंडिडेट अगर जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो पूरा एकदम से रजिस्ट्रेशन से लेकर के फीस पेमेंट तक, डॉक्यूमेंट्स अपलोड तक, यानी कि सारी चीजों को आप लोग का प्रोसेस करना पड़ेगा पूरा स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो इस ऑफिशियल नोटिस में यार यही सारी चीजें बताई गई है। बाकी यार अगर जो आप चाहते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होगा तो यहाँ पे यार आपको JEE का ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है ना, तो ये देख सकते हो JEE का ऑफिशियल वेबसाइट है। JEE का ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे ना तो यहाँ पे देख सकते हो होम पे, मैं सबसे पहले मैं चला जाता हूँ होम पे, जाने के बाद है ना यहाँ पे होम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे यार जो भी मैंने उस नोटिस में बताया ना वो सारा नोटिस में जो बताया वही सारी चीजें सबसे पहले यहाँ पे पॉपअप विंडो आकर के यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे सिंपली से आप लोग को क्या करना है, सिंपली से यहाँ पे आप लोग को क्लोज कर देना है ना। क्लोज जैसे ही करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो ये जो है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने का फाइनली ये विंडो ओपन हो चुका है ना। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, तो जो स्टूडेंट ने सेशन 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया था आप लोग को सिर्फ और सिर्फ फीस पेमेंट करना है सेशन 2 के लिए, तो सिंपली से आपको क्या करना है एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है, यहाँ पे पासवर्ड फिल करना है, अगर जो पासवर्ड ये सब भूल गए हो तो पासवर्ड ये सब अगर जो भूल गए हो तो यहाँ पे आपको जो है फॉरगेट पासवर्ड का यहाँ पे जो है देख सकते हो आप, यहाँ पे ऑप्शन है फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर या फिर फॉरगेट योर पासवर्ड, जो भी आप लोग भूल गए हो आपके एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे, सॉरी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बेसिस पे एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के बेसिस पे आपका जो है ये सब फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर फॉरगेट पासवर्ड ये सब कर सकते हो, है ना। उसके बाद फिर सिंपली से आपको कैप्चा ये सब डाल करके यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2-3 प्रोसेस है, यानी कि जो भी आपको चेंजेस करना है वो सब चेंजेस करोगे। एंड उसके बाद फिर चेंज करने के बाद सिंपली से आप लोग फीस पेमेंट करके आपका डन हो जाएगा, यानी सेकंड सेशन के लिए आपका हो गया एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग हो गया। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस स्टूडेंट को आपको आना है यहाँ पे, है ना, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, है ना। तो यहाँ पे आप लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद फिर देख सकते हो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये सब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी चाहो तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज सिंपली से यहाँ पे जो है देख सकते हो यहाँ पे फीस पेमेंट के बारे में बताया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए आप लोग BE BTEC के लिए कर सकते हो या फिर BR BPlanning दोनों के लिए करते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कितना कितना फीस लगेगा। उसके बाद सबसे सिंपली और सबसे नीचे आ जाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे देख सकते हो नीचे आने के बाद आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो सारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पे प्रोसीड पे क्लिक करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे सारी चीजें फिर आगे का प्रोसेस है, मैं जो है ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है फॉर्म फिलिंग का, लेकिन पूरा फॉर्म फिलिंग का बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है, या तो फिर आप कमेंट करना कि हाँ भैया पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का वीडियो एक डिटेल में बना दूँ, तो मैं जो है वीडियो भी डिटेल में बना दूंगा, है ना। सो यही यार सारी चीजें ऑफिशियल नोटिस जो कि NTA की तरफ से आई हुई थी, जो कि यार सुबह सुबह आया हुआ है कल, यानी कि 2 तारीख की डेट में, लेकिन सुबह इस नोटिस को रिलीज किया गया ऑफिशियल वेबसाइट पे, है ना। सो आई होप योर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है सारा NTA की तरफ से जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगी वो सारा वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। सो बाकी बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक्स सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक्स सो मच।